राम सेतु का ट्रेलर आपने देख लिया होगा, एंजॉय कर लिया होगा, अक्षय कुमार इज लुकिंग गुड। लेकिन क्या आपको पता है ये कहानी सच्ची है? ये काल्पनिक जरूर है कि एक बंदा ढूंढ रहा है ऐसे और उन्होंने राम सेतु को बचाया, लेकिन मैं आपको एक ऐसे केस से रूबरू करा देना चाहता हूँ जिसके बाद शायद आपके होशो हवास उड़ जाएं कि क्या सच में ऐसा होने वाला था। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म में, ट्रेलर में, टीजर में यूज होने वाली पहली उन दो लाइनों की कि राम सेतु बचाने के लिए हमारे पास 3 दिन है। अब आप कहेंगे कि ऐसा पहले कब हो चुका, तो बात करते हैं 2007-2008 में हुई एक ऐसे केस की जिसने बौखला दिया था पूरे हिंदू वर्ग को। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। 2007-2008 के बीच में एक प्रस्ताव पारित किया गया, हाईकोर्ट में केस किया गया कि जहाँ पर राम सेतु है वो काल्पनिक है, उसकी जगह शिपयार्ड बनाया जाएगा। देखिए मैं किसी की यहाँ पर आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन कांग्रेस सरकार थी उस वक्त और शिपयार्ड को मंजूरी दी गई थी ये कहकर कि एवरीथिंग इज जस्ट काल्पनिक। और इस चीज के बाद जो अपने विश्व हिंदू परिषद के हैं मिस्टर अशोक सिंगल जी, उन्होंने दोबारा से हाईकोर्ट में एक अपील करी और वहां पर बात करी कि आप ये क्या कर रहे हो। और एक बहुत तगड़ा सवाल पूछा गया था कि भाई आप ऐसे राम सेतु को बचाने के लिए आ गए हैं कि आप राम सेतु पर जाकर पूजा करते हैं? तो वहां पर जवाब दिया गया था, देखो भाई हम पूजा तो सूर्य देव की भी करते हैं, अब क्या हम आसमान में जाकर सूर्य देव के सामने खड़े हो जाएं? आस्था मन में है और ये केस आपको वापस लेना पड़ेगा, काल्पनिक नहीं है। और हुआ यूं, जो वाल्मीकि रामायण है वहां पर जिस तरीके से, जिस संदर्भ में राम सेतु का वर्णन किया गया था, ठीक उसी जगह पर मिला था राम सेतु, तो हमारा बचाव हो गया। दूसरी चीज, अब्दुल कलाम आजाद साहब, क्या ही स्पीच थी उनकी हमारे बचाव में। उन्होंने कहा था कि आप द्वारका को भी कहानी ही बताते हैं, और जिस तरीके से किताबों में, ग्रंथों में द्वारका का उल्लेख है, ठीक उसी तरीके से द्वारका में पानी के नीचे वो नगरी मिली है। यानी कि ये बातें तथा कथित दंत कथाएं नहीं है, सच्चाई है। तो ये राम सेतु जरूर देखिएगा, तमाचा उन लोगों को जो 2007-2008 में राम सेतु को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। बाकी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, मिलता हूँ जल्द आपसे, बाय बाय।